दोस्तों, आप सब फुटबॉल के बारे में तो जानते ही होंगे, लेकिन शायद आप में से कोई इसके ऐतिहासिक पन्नों को कभी पलटा होगा। नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सुपर इंस्पायरिंग स्पोर्ट्स पर आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ हर्षिता शुक्ला। तो चलिए दोस्तों, फुटबॉल के बारे में कुछ जानकारियां हासिल करते हैं। फुटबॉल एक विश्व प्रसिद्ध खेल है। इसे कई देशों में बहुत जोश और खरोश के साथ खेला जाता है। ब्राजील, स्पेन, फ्रांस, अर्जेंटीना आदि कई बड़े देशों के लोगों में इस खेल के प्रति एक अलग सा जुनून देखने को मिलता है। फुटबॉल शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई है, इसके पीछे कई लोगों की अलग अलग राय है। यह माना जाता है कि इस खेल के दौरान गेंद को पैर से मारना होता है और इस वजह से इसका नाम फुटबॉल पड़ गया। हालांकि इस नाम की उत्पत्ति का वास्तविक स्रोत का पता अभी तक नहीं चल पाया है। 15वीं सदी में फुटबॉल नाम का ही एक खेल स्कॉटलैंड में खेला जाता था। सन 1424 में इसे वहां पर फुटबॉल एक्ट के तहत बैन कर दिया गया। हालांकि ये बैन जल्द ही हटा लिया गया, लेकिन तब तक लोगों में इस खेल के प्रति जो रुचि था वो खत्म हो गया था। और फिर एक लंबे अरसे के बाद 19वीं शताब्दी में इसका पुनर्जन्म हुआ। हालांकि इस दौरान फुटबॉल कई अन्य जगहों पर भी खेला जा रहा था। सन 1409 में ब्रिटेन के राजकुमार हेनरी चतुर्थ ने पहली बार अंग्रेजी में फुटबॉल शब्द का इस्तेमाल किया था और साथ ही लैटिन में भी इसका एक विस्तृत इतिहास रहा है। अगर दोस्तों मैं फुटबॉल के इतिहास के कुछ तथ्यों को आपके सामने रखूं, तो आप सब इनको सुनकर चौंक पड़ेंगे। जैसे कि सन 1486 में फुटबॉल एक खेल होने के अधिक एक विशेष तरह का गेंद था। सन 1526 में इंग्लैंड के राजा हेनरी अष्टम ने फुटबॉल खेलने के लिए एक ऐसा जूता को बनवाया जिसे पहनकर फुटबॉल आसानी से खेला जा सके। 16वीं सदी के अंत में और 17वीं सदी के आरंभ में पहली बार खेल में मुकाबले की भावना लाने के लिए गोल की धारणा उत्पन्न हुआ। सन 1921 में इंग्लिश और स्कॉटिश फुटबॉल लीग में महिलाएं का खेलना निषेध हो गया था। हालांकि इस बैन को सन 1917 में पुनः हटा लिया गया। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा और भी रोचक वीडियो को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। थैंक यू।